उत्तराखंड यात्रा पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को देश के आखिरी गांव माड़ा पहुंचे। सीएम योगी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भीम पुल एवं सरस्वती पुल का भ्रमण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने आईटीबीपी गढ़वाल राइफल्स और बीआरओ के जवानों से मुलाकात की। उनके राष्ट्रीय सेवा भाव को नमन करते हुए जवानों का मुंह मीठा कराया। बीपी के जवानों ने मुख्यमंत्री को सलामी भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आईटीबीपी, बीआरओ तथा गढ़वाल राइफल्स के जवानों का उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों में अडिग रहकर इस सीमांत प्रदेश में देश की सुरक्षा करना प्रेरणास्पद है। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम सनातन हिंदू धर्म का केंद्र है, तो इस सीमांत गांव माड़ा में हमारे वीर जवान राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। आज वर्षों बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन के सुअवसर का लाभ मिला तो सैनिकों से मिलने का लोभ संवर नहीं कर सका। दोनों मुख्यमंत्रियों को अपने बीच पाकर जवान भी खासे निहाल थे। जवानों ने भारत माता की जय के नारे के साथ दोनों का अभिनंदन किया। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री बद्री विशाल का दर्शन एवं पूजा अर्चना कर दोनों राज्यवासियों एवं सभी देशवासियों की सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि भी है। मैंने अपना बचपन उत्तराखंड में ही बिताया है। पिछले 3 दिनों से यहाँ के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर नया सीजन प्रारंभ होने पर पर्यटन आवास गृह का कार्य भी प्रारंभ होगा। हमारा प्रयास है कि 1 वर्ष के भीतर ये कार्य पूरा कर लिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम लोगों को आगे जाने का रास्ता है या नहीं है? बस ऐसे ही रास्ता ठीक है। ऐसे ऐसा थोड़ा थोड़ी जो है सर, इसमें सम्यक प्रयास
सीडी साहब की गाड़ी कहाँ पे नहीं है? इतना सॉफ्ट है थोड़ा सा भैया तो थोड़ा सा बस अभी का इंजाम करो यार हमारे वाला का श्याम बोला सर सर ठीक है कमांडो कमांडो को भी हटा देना कमांडो पीछे बस सर सर आप भी हट जाओ सर आप पूरा ले पीछे लिखा हुआ सर इसीलिए जल्द से बोल पुलिस बल मैंने चौकी दो जगह गार्ड गार्ड आपकी निरीक्षण है दो उपस्थित श्रीमान संतरी घड़े शेष गार्ड विसर्जन कितने कितने दिन में इंटरचेंज होता रहता है चलो आगे आओ उधर उधर जाओ वहाँ जाओ पीछे वाले रोड से जाओ ना पीछे लाइन कहाँ से हैं? उड़ीसा। सबके कई राज्यों के लोग हैं यहाँ पर। बाकी जवानों का नहीं वाह थोड़ा पीछे से पूरा भाई जिंदाबाद वो स्लोगन स्लोगन क्या है आपका जोर से वेरी गुड करा वीर बजरंग की जय 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 वेरी गुड बहुत बढ़िया हां हां मिला मिला आर्मी का जय करा आर्मी का जय भगवान की जय 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 भारत माता की जय 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 वेरी गुड बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच आप लोग आए हम बहुत ज्यादा हो गया हम लोग पहले वहाँ बीआरओ में ले चुके हैं तो बस संकेत हलवा
अभी जवानों के लिए भी है ना। हाँ हाँ सर, सर आप हमारा बना आ जाओ, आप लोग भी हाथों में को लीजिए। आराम से लीजिए, अभिनंदन आप लोगों का। चलिए बहुत सुंदर, आप सभी जवानों का बहुत बहुत अभिनंदन। मोदी से निवेदन है कि भारत दिवस में पुलिस बल को विशेष स्मृति चिन्ह से सारे जवानों की तरफ से हर स्वीकार करने का धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की तो यही छोटी एक बाइक इनके साथ ही। सुतन देव जी आइए, सुतन देव जी। अच्छा अध्यक्ष जी, थोड़ा पीछे जाए, छाया पड़ा है, थोड़ा पीछे जाए, ले रहा हूँ। निरीक्षण को तैयार है, गार्ड बगल सस्त, गार्ड संतरी खड़े रहेंगे, बाकी विसर्जन। देखिए ये दोनों काम एक साथ हमारे यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम सनातन हिंदू धर्म का आस्था का केंद्र बिंदु है। एक तरफ आस्था का केंद्र बिंदु, सनातन धर्म का एक प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम, और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म का एक प्रमुख धाम है हमारा, जहाँ पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस और गढ़वाल राइफल जो का स्काउट जो है यहाँ पर एक साथ इस सीमांत कैंप में देश की और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सम विषम परिस्थितियों में यहाँ पर रहता है, तो दोनों काम एक साथ सिद्ध हो रहे थे। आस्था के साथ साथ राष्ट्र धर्म की एक प्रेरणा जहां से प्राप्त हो रही हो उस पवित्र स्थल पर और भारत के अपने वीर जवानों से मिलने का आनंद ही अलग होता है। तो मैं सीमांत गांव माना में आज विशेष रूप से जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आया तो अपने इन बहादुर जवानों से मिलने का लोभ भी स्मरण नहीं कर पाया, इसलिए मैंने आज यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी, आईटीबीपी के साथ में भी, गढ़वाल राइफल के जवानों के साथ, स्काउट के साथ जवानों के साथ भी यहाँ पर उनके साथ मिल करके और देश की सुरक्षा के लिए जिस मजबूती के साथ और जिस जज्बे के साथ वे लोग यहाँ पर सम विषम परिस्थितियों में रहते हैं उसके प्रति उनका अभिनंदन करने, उनका स्वागत करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपने सभी जवानों के जज्बे को सलाम करता हूँ और मातृभूमि के लिए उनकी सेवाओं को कोटि कोटि नमन भी करता हूँ।